धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, पटना में अब नहीं लगेगा दिव्य दरबार बाबा का। अर्जुन खड़गे चुनेंगे कर्नाटक का मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास, सिद्धारमैया और शिवकुमार के समर्थकों की जबरदस्त नारेबाजी। कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल ने खड़गे पर छोड़ा फैसला। पाकिस्तान से तुलना कर असम सीएम बोले, भारत में जब तक हिंदू रहेगा तब तक कुशल मंगल रहेगा। 5 मुस्लिम विधायकों को बनाया जाए मंत्री और डिप्टी सीएम, सुन्नी उलमा बोर्ड ने की मांग। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान सक्रिय हुए डीके शिवकुमार के समर्थक, लगाए हम चाहते हैं डीकेएस को सीएम के नारे। भाजपा नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, दिखाओ 1 लाख रुपए इनाम पाओ, एनसीपी कार्यकर्ता ने बस स्टैंड पर लगाए पोस्टर। हिंदू राष्ट्र की मांग, भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में, करेंगे गिरिराज सिंह की दो टूक। कांग्रेस की जीत के बाद क्या अब कर्नाटक में बजरंग दल होगा बैन, अगले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी में विहिर। कर्नाटक चुनाव में इस बार हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली, हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे नहीं काम आए, ये 2024 की जीत की शुरुआत, बीजेपी की कर्नाटक हार पर ठाकरे का तंज। कर्नाटक में भाजपा के अहंकार की हुई हार, भाजपा जनता को हलके में लेना भाजपा को पड़ा महंगा, राज ठाकरे का हमला। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी अपने वादे पूरे करेगी, ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। तेलंगाना में बीजेपी निकालेगी हिंदू एकता यात्रा, असम के मुख्यमंत्री शर्मा भी रहेंगे शामिल। खत्म होने वाले हैं पीएम मोदी और बीजेपी के दिन, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अधीर रंजन खुश बोले। किंग कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट टीम के लिए 250 मैच खेलने वाले बने बड़े खिलाड़ी। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में सामने आए 1272 नए मामले। कानपुर में ओवैसी की पार्टी ने उड़ाए बीजेपी के होश, भगवा पार्टी के गढ़ में जीतकर रचा इतिहास। आदित्य ठाकरे ने सीएम केजरीवाल से की मुलाकात, विपक्षी एकता के मुद्दे पर हुई चर्चा। टेंपल मेल पर हुई पत्थरबाजी, टूटी ट्रेन की खिड़कियां। गर्ल स्टोरी ने 9 दिन में बॉक्स ऑफिस पर लगाई सेंचुरी, सलमान की फिल्म को पछाड़ा बनी साल की 3री सबसे बड़ी फिल्म। जंगल ने कर्नाटक में बीजेपी की लंका जला दी, कांग्रेस एमएलए इरफान अंसार बोले जल्द झारखंड में बैन होगा बजरंग दल। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा और बसपा इस पर चुप नहीं बैठेगी, यूपी के निकाय चुनाव में हार पर बौखलाई मायावती। कर्नाटक से शुरुआत हुई है, पूरा देश अभी बाकी है, बीजेपी पर संजय राउत ने साधा निशाना। गर्ल स्टोरी ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार, मारी लंबी छलांग। इंडियन नेवी ने अरब सागर में पकड़ी ड्रग्स, 2600 किलोग्राम ड्रग्स की जब्त।